प्रदेश में नहीं रुक रहा है दलित उत्पीड़न, पीड़ित परिवार एफआईआर के लिए दर दर भटकने को मजबूर। मामला पलिया जगमोहन सिंह गांव का है, जहां पर दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यूं तो योगी सरकार कहती है कि दलित उत्पीड़न पर तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन स्थानीय पुलिस दलित उत्पीड़न में मात्र आश्वासन ही देती है, बाकी कुछ नहीं करती। मामला कुचेरा बाजार का है, जहां पर मनीष साइकिल स्टोर के नाम से साइकिल की दुकान है, जहां पर बिपिन सिंह पुत्र हनुमान दत्त सिंह उर्फ कल्लू एक अन्य व्यक्ति के साथ दुकान पर साइकिल बनवाने के लिए गए। वहां पर साइकिल रखे हुए गल्ले में से 25,000 रुपए चुरा लिए। जब दुकानदार ने उन्हें मना किया तो सीधा जाति सूचक गाली देते हुए उसे मारने और पीटने लगा। यह सब देखकर स्थानीय लोग जब इकट्ठा होने लगे तो वहां से वह फरार हो गया, जिसकी सूचना प्रहरी ने तुरंत इनायत नगर थाना क्षेत्र में दी, लेकिन उसे मात्र प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही मिला। जब प्रहरी वापस घर आया तो रात में लगभग 8 बजे षडयंत्र के तहत विपिन के साथ गुलशन अन्ना, शनि ऋषु पुत्र गढ़ हनुमान दत्त और हनुमान दत्त पुत्र उनकी बड़ी सगी सनी और बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के साथ बेलोरो और अन्य गाड़ियों में भरकर लोग आए और मौजूद मेरे भाई अनिश और उनके पिताजी अभयराज को लाठी डंडे और लात घूसों से मारा पीटा जाने लगा। और इस तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट तक अराजकता का माहौल रहा। कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भारी संख्या में भीड़ एकत्र होने के बाद कुछ लोगों ने जान से उन्हें धमारने की धमकी देते हुए भाग गए। शासन और प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि साइकिल बनवाने के साइकिल बनवा रहा था और साइकिल में हमारा लड़का व्यस्त हो गया और जाकर के गले में जो हाथ लगाया दुकान में हमकर के चोरी किया। किसने किया चोरी? बिपिन सिंह। कहाँ के निवासी हैं? सुरवारा ग्राम से। आप कहाँ के हैं? पूरा मामला में पूरा डिटेल में बताइए क्या कैसे हुआ था। यही मामला है कि वो जो चोरी किया तो ये हमारा लड़का जो है कि बड़ा वाला लड़का उसका हाथ जाकर के पकड़ा, जो गल्ला खोला तो उसने कि इसने कुछ क्रोध में कहा कि तुमने क्यों गल्ला खोला। किसने किसका हाथ खोला? बिपिन ने, अनिश ने जाकर के हमारा लड़का है अनिश और बिपिन सिंह ने जो है कि चोरी किया। तभी उस हाथ जब उसका पकड़ा तो वो इतने में इसको बगल में धुधुकी पर दो घूसा मार करके एक घूसा मुँह पर मार दिया और गिर गया। और उसके बाद चेहरे पर घूसा मारा तब ये गिर गया तो कुछ दिन इसकी सांस नहीं आई। इतने में बस जो भी बाद में सांस आई बगल को लोग दौड़े, तब ग्राम जो बाजार के लोग दौड़े उसमें हाथ दौड़ हो गया, इधर उधर कुछ लोग डाके डपके मारे डाके वाके बस वो फंस गया। आपको क्या हानि हुई है? इसमें हानि हुई कि 25,000 रुपये हमारे गले से लेकर के चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जो है कि हाँ हम लोग अपनी जाकर के तहरीर भी अपने सगे संबंधों के साथ में लेकर के जाकर थाने में पुलिस थाने आप गए थे वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई? तो उसने हम जो दिया उसको अपलेशन निकेतन साहब को, तो साहब ने कहा कि हम ठीक है जाइए हम उनको पकड़ कर लाते। किसको अप्लीकेशन दिया? वो शायद साहब को हम चीने नहीं, लेकिन शायद कुतवाल साहब थे चंदा में थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? आप तहरीर लेके आए तो फिर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उसके बाद फिर मारपीट हुई आप लोगों के बाद? हमारे साथ जो है कि यहाँ पर पुलिस ना वहाँ के यहाँ गई हमसे पूछताछ करने आई। उसके बाद शाम हो गई तो शाम लगभग 7-8 बजे के बीच और आकर के उनके घर वालों ने तमाम लोगों के साथ आकर के उनके साथ बिपिन सिंह थे, उनके पिताजी थे, उनके दो भाई थे और हनुमान दत्त उनके पिता का नाम है, बिपिन सिंह उस लड़के का नाम है, वो उसके पिताजी भी दो भाई थे, बच्चे भी थे। करीब 5 लोग मिलकर के हमको मार रहे थे। बाकी अज्ञात लोग मैजिक में भर कर आए थे, कुछ और गाड़ियाँ थी उससे आए थे, जिनमें एक मोटरसाइकिल पुलिस लोग भी लेकर के चले गए उनकी छोड़ दे। जब मोटरसाइकिल आप लोगों ने पकड़ लिया था? जी साहब हमने पकड़ा नहीं, जब हमने गवाह गुहार लगाई तो जो बीमार की तो लोग दौड़े तो भाई इधर उधर तमाम क्या पुलिस ले गई मोटरसाइकिल अपने साथ ले गई? तो पुलिस की मोटरसाइकिल उनकी छोड़ गई तो पुलिस ने आए बाद में, पुलिस अपने साथ थाने ले गई उसको जमा किया हुआ है। आप लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? अभी सामने दर्ज हुआ। क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले जो है कि आज 11 बजे को बुलाए थे, झांसा दे रहे इधर उधर। आपका मेडिकल हुआ कि नहीं? अभी नहीं सर। कितने लोग को चोट आई है? 3 लोग। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम कहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, हमारा पैसा दिलाया जाए, FIR हो, हमारा जो है मुकदमा बनना चाहिए। और साहब हम पीड़ित आदमी है, ऐसे होगा तो पूरा